Let's take out illustration number 6. Take out illustration number 6, page number 6.18. Page number 6.18. Illustration number 6. देखो क्या कह रहा है, दिया एंड रिया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 31st March 2016 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोस, द देयर फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट, देयर फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट एंड द असेट एंड लाइबिलिटीज वाज सेटल एज फॉलोस, द क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम अ प्लांट एंड मशीनरी at a discount of 10% and balance in cash. Ria loan was paid with interest 500. Debtor realized 10% less than the amount due from them. Stock was taken over by Ria 7,000. Investment released 80% of their book value. Realization expenses is 600 were paid by Dia. You are required to prepare realization capital and bank account. क्या बनाना है इसका? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको बनाना है। तो अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे, फुल पेज पे आप क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे फुल पेज पे। अगर एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले फुल पेज पे आप क्या बनाओगे? इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे फुल पेज का, फर्स्ट पेज पे। रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट देन सेकेंड पेज पे, हाफ पेज पे, जो आपका सेकेंड पेज होगा उसके हाफ पेज पे आप ये बनाओगे क्या? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। दो ही पार्टनर है यहां पे, हाफ पेज पे आप क्या बनाओगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर दिया रिया पर्टिकुलर दिया एंड रिया, ठीक है। एंड देन हाफ पेज पे आप बनाओगे आपका कौन सा? हाफ पेज पे आप बनाओगे अपना, जैसे यहां पे बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट दे रखा है? बैलेंस शीट में आपको दे रखा है कैश अकाउंट। तो हाफ पेज पे आप बनाओगे अपना कौन सा? कैश अकाउंट। दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट हाफ पेज पे, राइट। हाफ पेज पे आप क्या बनाओगे? कैश अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अब देखो ये आपका कैश अकाउंट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट। देखो अब क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, फॉर्मेट बनाने के बाद अब अपने असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। अपन असेट साइड से असेट साइड में सबसे पहले आपको कैश दे रखा है, तो आपने कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो आपका कैश बैलेंस है कितना 25,000। उसके बाद जितने भी आपके असेट्स दे रखे हैं, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, इन सारे असेट्स को अपन बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर के नीचे प्रोविजन भी दे रखा है, तो प्रोविजन को आपको लाइबिलिटी मानते हुए ट्रांसफर करना है और डेटर को असेट मानते हुए, तो डेटर आप यहां लिखोगे 42,000, नेट अमाउंट नहीं लिखना है 36। आपको क्या दे रखा है बैलेंस शीट में, डेटर्स आपको दे रखे हैं 42,000 के, और नीचे क्या कर रखा है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये जो डेटर है उसको तो असेट मानते हुए ट्रांसफर करेंगे, और जो प्रोविजन है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, तो उसको लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, स्टॉक, तो यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में टू स्टॉक, कितने का स्टॉक है 12,000 का। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, तो यहां लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट कितना 18,000। इन्वेस्टमेंट के बाद आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहां लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000। अब दिया लोन है, तो अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में अगर पार्टनर का लोन दे रखा है, इसका मतलब है कि पार्टनर ने लोन ले रखा है पार्टनरशिप फर्म से, तो अब इसको क्या करेंगे, अगर कोई बैलेंस शीट के असेट साइड में अगर आपको पार्टनर्स का लोन दे रखा है, तो इस पार्टनर लोन को अपन ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कहां ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उसको उसकी कैपिटल गेन्स अगेंस्ट क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी यहां पे दिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिया लोन अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू दिया लोन अकाउंट, कितना अमाउंट है आपका 2,000। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोविजन है, प्रोविजन को लाइबिलिटी मानते हुए आपको ट्रांसफर करना है, तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट Yes, by provision for doubtful debt, by provision for doubtful debt, कितना provision दे रखा है आपको, ये provision आपको given है कितना 6,000। अब liability side में आ जाओ, सबसे पहले creditors हैं, then real loan है, तो इन दोनों को अपन book value to book value का transfer कर देंगे realization account में, ये liabilities हैं, इनके credit balance हैं, तो क्लोज करने के लिए इनको क्या करेंगे अपन डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट रियल लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स कितना है 60,000, बाय रियल लोन कितना है 15,000। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, क्या गिवन है आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, नहीं उससे पहले आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, तो केवल जो आपका जनरल रिजर्व होगा, आपका ये जो जनरल रिजर्व है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर। इसको अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ये अपने प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली। तो ये जो जनरल रिजर्व आपको दे रखा है, इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व कितना है जनरल रिजर्व 15,000 का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1, तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना होगा 7,500 एंड 7,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो ऐसे फंड जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपने बनाए, कोई भी फंड या कोई भी रिजर्व जो आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया है, तो वो फंड आपका, वो फंड या वो रिजर्व आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो ये किसके लिए बनाया था, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया था। तो कोई सा भी फंड या कोई सा भी रिजर्व जो आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप बना रहे हैं, डेट फंड और रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2,000। उसके बाद आपको रिया और दिया की कैपिटल दे रखी है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो दिया और रिया की कैपिटल दे रखी है कितनी, 30,000 एंड 10,000, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस शीट के किस जितने भी एसेट और लाइबिलिटीज अकाउंट थे सब क्लोज हो गए, क्लियर हो गया। सबसे पहले जो कैश अकाउंट का बैलेंस था वो अपन ने कहां पे लिखा, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद डेटर्स जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उस पर यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, और उसका जो प्रोविजन था वो लाइबिलिटी मानते हुए अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा। उसके बाद आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन में आ गए। फिर एसेट साइड में आपको दिया लोन दे रखा था, दिया कौन है, पार्टनर। तो पार्टनर का जो लोन होता है उसको उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, तो ये अपन ने उसके कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर और रिया का लोन था वो अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट रिया लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद आपको जनरल रिजर्व दे रखा था वो अपन ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 1:1 था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो मैंने बताया आपको जो कोई भी फंड या कोई रिजर्व जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने बनाया है, डेट फंड और रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना 2,000। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आपको बैलेंसेस दे रखे थे, तो वो आपने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया और रिया का। तो अब यहाँ पे आपकी जितनी भी बैलेंस शीट के जो भी एसेट और लायबिलिटीज अकाउंट थे वो सब आपके क्लोज हो गए। अब आपके पास केवल ये तीन अकाउंट बचे, डेट इज रियलाइजेशन कैपिटल एंड कैश अकाउंट। अब पढ़ो नीचे एडजस्टमेंट, कह रहा है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम अ प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमारी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी ये कितने की है, 39,000 की है प्लांट एंड मशीनरी। क्या कह रहा है कि हमने अपने कुछ क्रेडिटर्स को, सम ऑफ द क्रेडिटर्स को हमने प्लांट एंड मशीनरी दिए, कैसे 10% डिस्काउंट पे, कैसे दिए 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो 39,000 है, तो 39,000 का 10%, पढ़ो क्या लिखा है, अ मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 39,000 का 10% कितना होगा 3,900। तो 39,000 में से
39,000 में से अपन माइनस करेंगे 3,900, तो यानी कितनी बच गई मशीन, 35,100, 35,100। अब हमारे पास क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स हैं कितने के, 60,000 के। तो इन 60,000 में से 35,100 का सेटलमेंट अपन ने कैसे कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी देके कर दिया। 35,100 का सेटलमेंट अपन ने कैसे करा, प्लांट एंड मशीनरी देके कर दिया। और कह रहे जो बैलेंस अमाउंट बचा है, तो बैलेंस कितने बचा, बैलेंस आपका बचा 24,900। ये जो बैलेंस अमाउंट बचा है इसका पेमेंट आपने कैश देके कर दिया, कैश देके आपने इसका क्या करा, सेटलमेंट कर दिया। दोबारा पढ़िए पॉइंट नंबर 1, द क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम अ प्लांट एंड मशीनरी, कि हमने अपने क्रेडिटर का सेटलमेंट करा है कैसे, प्लांट एंड मशीनरी देके। और प्लांट एंड मशीनरी कैसे दी है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब पहले अपन ने अपनी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 10% कम करा, और 10% कम करके फिर अपन ने अपने क्रेडिटर्स को दिए प्लांट एंड मशीनरी। और फिर उसके जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स बच गए, उनका अपन ने कैश पेमेंट कर दिया। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी, 39,000। 39,000 का 10% कितना होता है, 3,900। यानी हम जो प्लांट एंड मशीनरी, जो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अपने क्रेडिटर्स को दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 35,100। तो हमारे पास क्रेडिटर्स कितने थे, 60,000 के। तो 60,000 में से 35,100 की, मतलब 60,000 के क्रेडिटर में से 35,100 के क्रेडिटर का सेटलमेंट हमने कैसे करा, प्लांट एंड मशीनरी देके करा। और जो हमारे रिमेनिंग क्रेडिटर्स रह गए, रिमेनिंग कितने रह गए, 60 में से 35,100 का सेटलमेंट तो प्लांट एंड मशीनरी से हो गया। जो रिमेनिंग 24,900 के क्रेडिटर्स रह गए, हमने उनको क्या करा, कैश देकर उनका सेटलमेंट कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप अपनी किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट, अगर कोई एसेट देके कर रहे हैं तो उस सेटलमेंट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। यानी 60,000 में से 35,100 का ही जो सेटलमेंट आपने प्लांट एंड मशीनरी देकर करा है, इस सेटलमेंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी, इसकी अपन कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे फॉर दिस सेटलमेंट। लेकिन ये जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को आप कैश पे कर रहे हो, इसकी एंट्री अपन पास करेंगे पेमेंट करने की। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 24,900। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अपन ने अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, कितना, 24,900। क्या एंट्री करी, क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है किससे, रियलाइजेशन से। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स, कितने के, कितना सेटलमेंट किया क्रेडिटर्स का, मतलब कितना अमाउंट कैश पे करा उसको अपन ने, दिस 24,900। तो यहाँ जाएगा 24,900। क्लियर है पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, रिया लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट 500। तो रिया का लोन कितना है, रिया लोन इज 15,000। कह रहे रिया के लोन का सेटलमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया कैसे, 500 रुपीज का इंटरेस्ट ऐड करके फिर अपन ने रिया के लोन का क्या करा, पेमेंट कर दिया। यानी रिया को कितना पे करा है, 15,500। तो लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइबिलिटी का पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या है ये आपका, रिया लोन कितना, 15,500। तो एंट्री क्या करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है ये, रिया का लोन।
तो भाई ये रिया का लोन है कितना पे करा है, 15,500, 15,500। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या, डेटर रियलाइज 10% लेस अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। कह रहा है डेटर से, डेटर कितने के, 42,000 के डेटर हैं, डेटर कितने के, 42,000 के डेटर्स हैं, तो इनसे कितना अमाउंट कम रिसीव करा है, 10% कम अमाउंट अपन ने इनसे रिसीव करा है। तो असेट को रियलाइज करने की एंट्री क्या होगी, असेट को रियलाइज करने की एंट्री हो जाएगी, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में अपन यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे अपन बाय कैश अकाउंट डेटर, डेटर से कितना रियलाइज हुआ है, 42,000 के डेटर हैं, 10% कम मिला है, तो 42,000 का 10% इसमें से माइनस कर देंगे, तो 42,000 का 10% क्या होता है, 4,200, यानी डेटर से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, 37,800 अपन को डेटर से रियलाइज हुआ है, कितना, 37,800। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कितना मिला है, 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 18,000 का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 18,000 है, तो उसका 80% ही अपन को मिला है, तो 18,000 का 80% अमाउंट अपन को मिला है, तो इन्वेस्टमेंट से कितना रियलाइज हुआ, 14,400। कितना दे रखा है इन्वेस्टमेंट, 18,000 का दे रखा है 18,000 का, तो 18,000 का 80% कितना होता है, 14,400। ठीक है, बस ये दो असेट हैं जिनको अपन ने सेल कराए, ये दो ही असेट हैं जिनको अपन ने क्या करा है, सेल कराए, तो यानी असेट्स को सेल करने से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, असेट को सेल करने से अमाउंट रियलाइज हुआ कितना, 52,200, कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, 52,200। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा था टू रियलाइजेशन, कितना अमाउंट मिला, 52,200। ये क्या थी आपका, सेल ऑफ असेट, असेट को सेल करने से अमाउंट मिला है कितना, 52,200। नाउ पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नाउ पॉइंट नंबर 4, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000। जो आपका स्टॉक है वो कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर स्टॉक को टेक ओवर कर रहा है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पे एंट्री हो जाएगी रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रिया के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराए किससे, रियलाइजेशन से, तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो देयर रिया में आ जाएगा कितना, 7,000 रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय रिया कैपिटल अकाउंट, बाय रिया कैपिटल अकाउंट, क्या लिया रिया ने, स्टॉक ले लिया कितने का, 7,000 रुपीज में। पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 वर पेड बाय द दिया, वर पेड बाय द दिया, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ये किसने पे कर दिए, दिया ने, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दिया कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू दिया कैपिटल अकाउंट, टू दिया कैपिटल अकाउंट कितना, 600, और दिया की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और दिया में आ जाएगा कितना, 600। ठीक है, ठीक है, नो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब आपको क्या चेक करना है,
क्या आपकी सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया क्या? तो अब एक्चुअल में दो ही लाइब प्रोविजन का पेमेंट अपन करते नहीं है, कोई प्रोविजन का पेमेंट होता नहीं है। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी, उसका पेमेंट अपन ने कर दिया, और रियल लोन आपकी लाइबिलिटी थी उसका भी पेमेंट आपने कर दिया, तो आपकी सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो चुका है। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, यानी आपके रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो आपका कहलाता है रियलाइजेशन लॉस, और उस रियलाइजेशन लॉस को अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिया और रिया में ये लॉस बढ़ जाएगा। ये लॉस आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 9800 बैलेंसिंग फिगर। इस डेबिट साइड के टोटल में से सारा क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करा तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका लॉस 9800 का। इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, ये आएगा 4900 इक्वली, नहीं किसमें करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। तो एंट्री क्या होगी आपकी, दिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 4900। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये आपका कहलाएगा फाइनल पेमेंट, ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनल पेमेंट। तो फाइनल पेमेंट कितना करा अपन ने पार्टनर्स को, 25,600 and 11,200। तो फाइनल पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, दिया कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में अपन यहां लिखेंगे बाय रिया कैपिटल अकाउंट इतना 25,600 एंड बाय दिया कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है दिया का, 11,200। और अब आप इसका टोटल करेंगे कैश अकाउंट का तो ये इक्वल आएगा कितना, 77,200 and 77,200। समझ में आई बात? तब इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात है जो निकल के आई वो क्या है, पहली बात तो ये कि अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर पार्टनर का लोन आपको गिवन है, बैलेंस शीट की असेट साइड में अगर पार्टनर का लोन गिवन है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हम उसको क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर पार्टनर्स लोन दे रखा है तो उसको अपन क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई फंड आपका बना हुआ है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अगर आपने कोई फंड या कोई रिजर्व बना रखा है तो वो कहां पे ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जैसे यहां पे ये किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो नाम से पता चल रही है ये फंड अपन ने काहे के लिए बनाया है, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया है, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंड बनाए तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको ये जनरल रिजर्व गिवन था, तो अगर केवल रिजर्व वर्ड हो या जनरल रिजर्व हो तो मतलब ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने नहीं बनाया है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स के में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। दूसरा, अगर किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट अगर कोई असेट देके अगर अपन कर रहे हैं तो हम उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको डेटर लेस प्रोविजन दे रखा था, तो जो डेटर है उसको तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर करना है, जैसे यहां पे था 42,000, और प्रोविजन को लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन से निकली। समझ में आई बात?